MJY 001 पाठ्यक्रम का अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रवर्तक शब्द का अर्थ है वे विद्वान या शोधकर्ता या आचार्य जिन्होंने किसी भी विषय या मूल सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया हो। जैसे गौतम बुद्ध को बुद्ध धर्म का प्रवर्तक कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने ही इस धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वैसे ही अनेक प्राचीन आचार्यों ने अपने तपोबल से तथा सतत अन्वेषण से मानव मात्र के कल्याण के लिए इस ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन किया। सभी विद्याओं के मूल वेद हैं, समस्त ज्ञान विज्ञान वेदों से ही उत्पन्न हुआ है, अतः वैदिक ऋषि ही ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऋषियों ने ही अपनी समाधि के परम अवस्था में इस जगत के समस्त रहस्यों को जाना और उद्घोष किया, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस पिंड में है अर्थात शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। प्रकृति के जो नियम इस ब्रह्मांड के लिए लागू होते हैं वे ही नियम इस शरीर के लिए भी लागू होते हैं। ऋषियों ने इसी शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा और मनुष्य के साथ इस ब्रह्मांड के अंतर संबंध को प्रतिपादित किया। ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक कोई एक आचार्य या ऋषि नहीं, अपितु यह शास्त्र अनेक आचार्यों की विलक्षण प्रतिभा और तप का परिणाम है। मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक माने जाते हैं जिन्होंने अपने मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, नारद, गर्ग, मनु, भृगु, मरीचि, लोमश, कश्यप, अंगिरा, चैवन, यवन, शोनक और पौलिश। सूर्य वारामीर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में सूर्य सिद्धांत का वर्णन किया है। सतयुग के अंत में मैं दानव ने भगवान सूर्य की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने अंश पुरुष द्वारा मैं दानव को काल और ग्रह गणित का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया था। पितामह द्वारा लिखित कोई स्वतंत्र ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। वारामीर द्वारा रचित पंच सिद्धांतिका में पितामह सिद्धांत भी है। व्यास पुराणों और उपनिषदों के रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है। व्यास जी द्वारा लिखित कोई स्वतंत्र ज्योतिष ग्रंथ उपलब्ध नहीं है किंतु विभिन्न पुराणों में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन मिलता है। अब पौराणिक वर्णनों से यह अनुमान लगाया जाता है कि व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है अपितु यह एक उपाधि है और प्रत्येक युग के आदि में ईश्वरीय प्रेरणा से पुराणों का विस्तार से व्याख्यान करने वाले को व्यास कहा जाता था। वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ महान सप्तऋषियों में से एक हैं। महर्षि वशिष्ठ सातवें और अंतिम ऋषि थे। वे श्री राम के गुरु थे और सूर्यवंश के राजपुरोहित थे। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। कुछ उल्लेखों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि वशिष्ठ के सिद्धांत, संहिता और होरा इन तीनों स्कंदों पर ग्रंथ थे, किंतु आजकल केवल वशिष्ठ संहिता और वृद्ध वशिष्ठ संहिता नाम से ही ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। वशिष्ठ सिद्धांत का उल्लेख पंच सिद्धांतिका में मिलता है। अत्रि सात महान वैदिक ऋषियों में से एक है। अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र थे जो उनके नेत्रों से उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद के पंचम आत्रेय मंडल में मंडल का कल्याण सूक्त ऋग्वेदीय स्वस्ति सूक्त है जो आज भी प्रत्येक मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों में पठित होता है। प्रसंगवश अनेक स्थानों पर अत्रि के नाम का उल्लेख मिलता है किंतु स्वतंत्र ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। प्रमाणों के आधार पर ऐसा पता लगता है कि अत्रि को ग्रहण आदि के साधन में विशेष दक्षता थी। अत्रि को ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि कहा जाता है। पराशर एक मंत्र दृष्टा ऋषि, शास्त्रवेता, ब्रह्म ज्ञानी और स्मृतिकार है। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, गोत्र प्रवर्तक, वैदिक सूक्तों के दृष्टा और ग्रंथकार है। पराशर द्वारा लिखित लघु पराशरी, मध्य पराशरी, वृहत पराशर, होरा
शास्त्र नाम के तीन होरा शास्त्रीय ग्रंथ आज भी उपलब्ध है और सुप्रसिद्ध हैं। नारद, नारद इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग के अनेक शास्त्रों में पारंगत थे। नारद आत्मज्ञानी, नैष्टिक ब्रह्मचारी, त्रिकाल ज्ञानी, वीणा द्वारा निरंतर प्रभु भक्ति के प्रचारक, निर्भय, विनयशील, जितेंद्रिय, सत्यवादी, तपस्वी, चारों पुरुषार्थ के ज्ञाता, परम योगी, सूर्य के समान त्रिलोकी पर्यटक, वायु के समान सभी युगों, समाजों और लोकों में विचरण करने वाले, नीतिज्ञ, आनंदरत, कवि, प्राणियों पर निस्वार्थ प्रीति रखने वाले, देव, मनुष्य, राक्षस सभी लोकों में सम्मान पाने वाले देव ऋषि थे। श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा कि देव ऋषि नाम च नारद है, कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है कि सृष्टि में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और नारद पांच रात्र का उपदेश दिया, जिसने सत्कर्मों के द्वारा भवबंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। नारद जी मुनियों के देवता थे और इस प्रकार उन्हें ऋषि राज के नाम से भी जाना जाता है। 25,000 श्लोकों का महाग्रंथ नारद महापुराण है और वर्तमान समय में 25,000 में से केवल 22,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। 3,000 श्लोकों की कमी शायद कुछ प्राचीन पांडुलिपियों के नष्ट हो जाने के कारण हुई। नारद पुराण के ग्रंथ में, महाग्रंथ में 750 श्लोक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है। इनमें ज्योतिष के तीनों स्कंद, सिद्धांत, होरा और संहिता की सर्वांगीण विवेचना की गई है। नारद संहिता के नाम से उपलब्ध इनके एक अन्य ग्रंथ भी ज्योतिष शास्त्र के सभी विषयों का सुविस्तृत वर्णन करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि देवऋषि नारद भक्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी प्रधान आचार्य हैं। गर्ग, ऋग्वेद के छठे मंडल का 47वां सूक्त इन्हीं का रचा हुआ है। यह यादवों के पुरोहित थे और यह वासुदेव की प्रार्थना पर नंद के ब्रज गए थे। इन्होंने शेषनाग से ज्योतिष शास्त्र सीखा और भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण और उपनयन संस्कार इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही उनको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया था और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी आमंत्रित थे। गर्ग संहिता नाम का ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित होता है। मनु, सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था और जिनके संग प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु के संतान होने के कारण हम सब मानव या मनुष्य कहलाए। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है। वर्तमान में हम 7वें मनु में हैं, वैवस्वत मनु में हैं। मनु नामक अनेक उल्लेखों से प्रतीत होता है कि यह नाम न होकर उपाधि है। मनु धर्म के प्रकृत रूप के ज्ञाता थे और मानव जाति को उसकी शिक्षा देते थे। मनु स्मृति धर्मशास्त्र से संबंध ग्रंथ है, किंतु मनुस्मृति में ज्योतिष संबंधी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। भृगु, ये महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से है। सुप्रसिद्ध महर्षि चैवन इनके ही पुत्र हैं। प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति देवी इनकी पत्नी है और महर्षि भृगु के वंशज भार्गव कहलाते हैं। महर्षि भृगु और उनके वंशधर अनेक मंत्रों के दृष्टा हैं। ज्योतिष खगोल का महान ग्रंथ भृगु संहिता इनके द्वारा रचित है। भृगु संहिता के अनेक संस्करण आज भी मिलते हैं, परंतु ये कई प्रकार से खंडित है और प्रमाणिक नहीं प्रतीत होते। मरीचि एक ऋषि है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक है।
गीता के अनुसार मरीचि वायु है और कश्यप ऋषि के पिता हैं। इन्होंने ही भृगु को दंड नीति की शिक्षा दी। ये सुमेरु के शिखर पर निवास करते हैं और महाभारत में इन्हें चित्र शिखंडी कहा गया है। मरीचि का स्वतंत्र ग्रंथ तो नहीं है, परंतु उनके ज्योतिष विषयक उदाहरण बहुत से प्राप्त होते हैं। लोमश राम कथा के वक्ता महर्षि थे। शरीर पर रोएं अधिक होने के कारण इन्हें यह नाम मिला था। ये सदा तीर्थाटन किया करते थे और तीर्थाटन के समय युधिष्ठिर ने भी इनसे राम कथा सुनी थी। इनके लिखे हुए दो ग्रंथ बताए जाते हैं, लोमश संहिता और लोमश शिक्षा। इनके नाम पर लोमश रामायण भी प्राप्त होता है। पंच सिद्धांतिका में निहित रोमक सिद्धांत को लोमश सिद्धांत ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त इनका कोई और स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। पॉलिश पंच सिद्धांतिका में निहित समाहित यह पुलिस सिद्धांत है। पंच सिद्धांतिका में पुलिस सिद्धांत संबंधी अन्य भी बहुत सी बात है। प्रथम अध्याय की 10वीं आर्या में कहा गया है कि रोमक सिद्धांत का अहरगण पोलिश अहरगण के आसपास होता है। शाकल्य के अनुसार ब्रह्मा सिद्धांत में 3-4 जगह पोलिश सिद्धांत का उल्लेख है। अतः शाकल्य के समय भी पोलिश सिद्धांत उपलब्ध था। वर्तमान में अलग से तो पोलिश सिद्धांत उपलब्ध नहीं है, परंतु ये पंच सिद्धांतिका में ही निहित है। कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि प्राचीन वैदिक ऋषियों के प्रमुख ऋषि हैं, जिनका उल्लेख एक बार ऋग्वेद में हुआ है। इन्हें सर्वदा धार्मिक और रहस्यात्मक चरित्र वाला बताया गया है। महाभारत एवं पुराणों में असुरों की उत्पत्ति एवं वंशावली के वर्णन में कहा गया है कि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक मरीचि थे, जिन्होंने अपनी इच्छा से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र को उत्पन्न किया। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया। ये कश्यप ऋषि ज्योतिष शास्त्र के मुहूर्त और संहिता ग्रंथ की टीकाओं में विभिन्न स्थानों पर इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं, इनकी टीकाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वास्तु शास्त्र के भी अनेक ग्रंथों में इनके वचन कहे गए हैं। अगले प्रवर्तक आचार्य हैं अंगिरा ऋषि। पुराणों में बताया गया है कि महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा ये गुणों में ब्रह्मा जी के ही समान है। इन्हें प्रजापति भी कहा गया है और सप्त ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा मरीचि आदि के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनके दिव्य अध्यात्म ज्ञान, योग बल, तप साधना और मंत्र शक्ति इनकी विशेष प्रतिष्ठा है। संपूर्ण ऋग्वेद में महर्षि अंगिरा और उनके वंशधरों का जितना उल्लेख है, उतना अन्य किसी ऋषि के संबंध में नहीं है। ये ऋग्वेद के नवम मंडल के द्रष्टा ऋषि हैं। अगले प्रवर्तक आचार्य हैं च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि महान ऋषि भृगु के पुत्र थे। इनकी माता का नाम पुलोमा था। ऋषि च्यवन को महान ऋषियों की श्रेणी में रखा जाता है। इनके विचारों एवं सिद्धांतों द्वारा ज्योतिष के में अनेक महत्वपूर्ण बातों का आगमन हुआ। महर्षि च्यवन ने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नामक एक विशेष औषधि बनाई और उसका सेवन किया, जिससे वे अपनी वृद्धावस्था में पुनः जवान बन गए। महाभारत के अनुसार उनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। वे अत्यंत तपस्वी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यापन और वैद्य में इनकी विशेष दक्षता थी और इसीलिए ये प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। यवन महाभारत काल में यवन का नाम का उल्लेख है। वह जरासंध का मित्र था और वह जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में यवनों को मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। महाभारत युद्ध में यवन कौरवों के साथ थे। इससे पूर्व दिग्विजय के समय नकुल और सहदेव ने इन्हें पराजित किया था। आचार्य वराहमिहिर ने भी यवनों को मलेच्छ कहा है और इनको ज्योतिष शास्त्र की अच्छी जानकारी होने का वर्णन किया गया है। यवन जातक, वृद्ध यवन जातक आदि ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं और ये हो सकता है ये ग्रंथ इसी परंपरा के रहे होंगे। शौनक
शौनक ऋषि भृगुवंशी शुनक ऋषि के पुत्र थे। ये प्रसिद्ध वैदिक आचार्य थे। शौनक एक संस्कृत वैयाकरण और ऋग्वेद के प्रति शाख्य थे। वृहद देवता चरण व्यूह तथा ऋग्वेद की 6 अनुक्रमणिकाओं के रचयिता ऋषि शौनक थे। ऐसा लगता है कि शौनक की प्रसिद्धि भी कश्यप, अंगिरा और चैवन ऋषि की तरह अध्यापन की विशिष्टता, शिष्य परंपरा और वैद्य और अन्य ज्योतिषीय प्रयोग की दक्षता के लिए रही है। वैदिक आचार्य और ऋषि शौनक ने गुरु शिष्य परंपरा व संस्कारों को इतना फैलाया कि उन्हें 10,000 शिष्यों वाले गुरुकुल का कुलपति होने का गौरव मिला। 10,000 शिष्यों की यह तादाद कई आधुनिक विश्वविद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक थी उस समय के साथ। धन्यवाद।